स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में अभी जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो मेरे ख्याल से स्टेट इलेक्शंस के जो नतीजे हैं वहाँ पे मार्केट की नज़र अभी काफ़ी फोकस रहेगी। अभी शाम से एग्जिट पोल्स शुरुआत हो चुके हैं, कल भी एग्जिट पोल्स के नंबर्स आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी क्रूड से तो डेफिनेटली परेशान है। वीक रुपया भी आज एक बहुत बड़ी परेशानी थी, उसलिए बाजार काफ़ी गिरा। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा क्योंकि स्टेट इलेक्शंस के जो नंबर्स है यहाँ पे, जैसे जैसे नंबर्स के एग्जिट पोल्स के नंबर आएंगे मार्केट उसको रिएक्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में कोई बाइंग या सेलिंग करने की कोशिश ना करे, स्टॉक स्पेसिफिक रहे। और अगर हफ्ते भर का नज़रिया स्वाति अगर किसी को लेना है तो हम अभी भी अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ONGC के ऊपर अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि ये शेयर 10-12% बढ़ चुका है, लेकिन जिस प्रकार की ऑयल में तेजी है हमको नहीं लग रहा है कि इमिडिएटली कोई बड़ा करेक्शन ऑयल में आएगा, एटलीस्ट जब तक ये रूस और यूक्रेन की वॉर चलती रहेगी। यहाँ पे हमको लग रहा है कि करीबन 203 204 का टारगेट प्राइस एक 8 से 10 दिन में मिल सकता है, और करीबन 182 का आप एक स्टॉप लॉस रखिए तो ये एक अच्छा पोजिशनल बेट रहेगा। हालांकि 8 से 10 दिन में अगर वॉर खत्म होती है तो ऑब्वियसली क्रूड प्राइसेस गिरेंगे, इसमें थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी आएगा, बट अगर 6-7 दिन में कुछ होता नहीं है तो मेरे ख्याल से इसमें और थोड़ी अपट्रेंड होने के लिए अभी भी बाकी है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल आइडिया। अब अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं, अविनाश जी आपसे जानना चाहेंगे लॉन्ग टर्म पिक के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से। स्वाति, जो शेयर मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राज इंडस्ट्रीज बेसिकली एक एथेनॉल थीम वाली स्टोरी है। जैसे सभी को पता है कि क्रूड की कीमतें काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, तो गवर्नमेंट में जरूर एक रियलाइजेशन आया है कि जितना ज्यादा एथेनॉल का ब्लेंडिंग हो वो डेफिनेटली कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए प्राज इंडस्ट्रीज जो एथेनॉल इक्विपमेंट बनाता है मेरे ख्याल से काफ़ी वेल पोजिशनड है। कंपनी के पास करीबन 700 करोड़ की ऑर्डर बुक है। बायोफ्यूल्स एज वेल एज जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, ये जो नया प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे हैं IOC के साथ, ये भी बहुत जल्द कमर्शलाइज होने की बातें चल रही है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि इस साल कंपनी करीबन 2000 का रेवेन्यू और करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, जो पिछले साल करीबन 1300 करोड़ था और 80 करोड़ का प्रॉफिट था। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की एथेनॉल की कैपेसिटी इंडिया में लगेगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राज को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो करंट प्राइस पे मैं समझता हूँ कि जरूर खरीदना चाहिए, 345 का अभी करंट रेट है। साल भर का अगर कोई नजरिया लेता है तो हमको लग रहा है कि 440-450 का एक नियर टर्म टारगेट बनेगा, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी वैल्यू बन सकती है। तो ये वैल्यू पिक मेरी तरफ से प्राज इंडस्ट्रीज।